नमस्कार साथियों, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। मैं देवेंद्र कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जैसा कि पहले सीरीज़ में हम लोग करते आए हैं कि इससे पहले जो मैंने सीरीज ली थी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की, उसमें हम लोगों ने जनवरी से लेके नवंबर तक के, लास्ट नवंबर तक के सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया था। उसके बाद हमने प्री के एग्ज़ाम के पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे करंट का अप्रोच रहेगा, कैसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, खास करके CGPSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में करंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इस बार का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था CGPSC में खास करके, वो काफ़ी फैक्चुअल और करंट ओरिएंटेड ही पेपर था, जिससे इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ गई है करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर को हमको डेली प्रैक्टिस करना है। और छत्तीसगढ़ लेवल में जो भी जो सरकार के द्वारा पहल की जा रही है और महत्वपूर्ण जो भी इवेंट्स हैं, उनको अच्छे से हमको कवर करते हुए चलना है। अगर हम लोग SI के भी एग्ज़ाम में देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें भी जो क्वेश्चन था वो भी काफ़ी फैक्चुअल थे करंट अफेयर को लेके, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स वाला सेक्शन या और कई सेक्शन जो थे, जो कि आपको मैगजीन के थ्रू कवर नहीं हो पाते, है ना। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लास्ट, यहाँ जो ट्रेंड रहा है ना, कि लास्ट में आप एग्ज़ाम के एक महीने पहले एक मैगजीन लेते हो और मैगजीन में ही डील कर लेते हो करंट अफेयर को, उसके बाद आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में ब्लंडर होता है ना। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि, तो वैसा करना ही है हमको, करंट को बहुत अच्छे से अप्रोच लेके चलना है, और इसके साथ ही देखना है कि वहाँ पे हम लोग कैसे करंट के इवेंट को कनेक्ट कर पाए क्वेश्चन से, और उसके बाद अच्छे से डील कर पाए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ बिलासपुर IAS एकेडमी, अंग्रेजी माध्यम के लिए तो श्रिया मैम रहेंगी, वो करंट का क्लास अलग से सेपरेट लेंगी, और इसके साथ ही हिंदी माध्यम के लिए भी मैं आपको करंट के जितने भी डेटा हैं और करंट इवेंट में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हो रही हैं, उनको करंट अफेयर क्लास के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये वाले सीरीज़ को हम लोग चालू करने से पहले ये देख लेते हैं कि SI पिछला जो SI का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट के जो इवेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह के थे, है ना। और उसको हम लोग देखते हैं कि वैसे ही कैसे हमको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब जो आने वाला एग्ज़ाम है, तो करंट का अप्रोच आपका मेंस परस्पेक्टिव से कैसे होगा, अब CGPSC का मेंस जो होगा उसमें आप करंट को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर कई कॉपीज में, RTI कॉपीज में भी मैंने देखे हैं कि आप कोर सब्जेक्ट में 7 पेपर होते हैं मेंस के, उन सारों पेपर में कोर सब्जेक्ट में आप तो फोकस करते ही हैं, लेकिन कई बार आपके आंसर राइटिंग में अगर करंट के इवेंट आप डाल दें, आपके आंसर में अगर करंट का कोई पहल किया गया है सरकार के द्वारा या कोई योजना है या ऐसा कोई भी चीज़ जो करंट से रिलेटेड है, अगर वो अपने आंसर में आप पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा डायनेमिक लगता है और पढ़ने में कैची भी लगता है, और ख़ास करके चेकर को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हम लोग ये भी, मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँगा कि यहाँ पर जो न्यूज़ मैं बताऊँगा वो न्यूज़ मेंस के किस पेपर से रिलेटेड है और कहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी ध्यान में रखा है कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको आप SI के जो एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम लोग पिछला SI का एग्ज़ाम जो देखें, तो अगर क्वेश्चन पेपर में अगर हम लोग देखें तो SI के पहले, एक तो हॉकी में वर्ल्ड कप में जो रैंकिंग है वो पूछ दी गई थी, इंडिया की रैंक क्या है हॉकी में, है ना। तो करंट हॉकी का ओलंपिक में हम लोग जानते हैं कि हॉकी में, है ना, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी हमारी मेल टीम, है ना। तो और जो महिला जो टीम थी वो चौथे स्थान पर रही थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने हॉकी के बारे में उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो ओलंपिक, अगर हमारे यहाँ ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं आया, तो वो उन्होंने हॉकी का रैंकिंग ही पूछ दिया इंडिया का, ठीक है। स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है SI के एग्ज़ाम के लिए। सेकंड अगर हम लोग देखें तो वो सुपर कंप्यूटर के बारे में एक क्वेश्चन पूछे थे। अगर हम लोग तीसरा स्पोर्ट्स से ही देखें तो उन्होंने मुक्केबाजी पे पूछा था, विश्व मुक्केबाजी पे, है ना, ये क्वेश्चन था। तो मुक्केबाजी से रिलेटेड हम लोग जान रहे हैं कि हमारे इंडिया लेवल पे कई ऐसे
प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, जिन लोग हमारे लिए ओलंपिक के लिए ब्रॉन्ज मेडल और रजत मेडल लेके आए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ SI के एग्ज़ाम के लिए पुलिस की जितनी भी योजनाएं हैं, कहने का मतलब है पुलिस के जो भी अभियान या योजनाएं है ना, पुलिस से रिलेटेड जो भी अभियान, जैसे संवेदना है ना, संवेदना है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे जो इस अभियान चल रहे हैं पुलिस से रिलेटेड, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके योजना भी। डायरेक्ट उन्होंने थानों का नंबर पूछ दिया था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा था, टेनिस से रिलेटेड, इसरो के मिशन के बारे में पूछा गया था, और इसके साथ ही नक्सलवाद और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो डेटा होते हैं वो SI मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हमको अब जो करेंट अफेयर पढ़ना है वो इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि CGPSC वालों को उनके मेंस आंसर राइटिंग में काम आ जाए करंट अफेयर, और इसके साथ ही SI वालों को भी ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो ऐसे ही डील करेंगे हम लोग। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब अब हम लोग देखेंगे नवंबर लास्ट के, इसमें कुछ चीज़ें नवंबर लास्ट की भी हैं, और नवंबर लास्ट लेके फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको मैंने इसमें कवर कर रखा है, तो देखेंगे। अब पहला न्यूज क्या कहता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ के SDG डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट और ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल और SDG डैशबोर्ड का विमोचन किया गया है ना। तो SDG क्या है, पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि SDG क्या है, और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की जो अवधि है वो 2015 में समाप्त हो गई थी है ना। इसके साथ ही 2015 में ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसके सदस्य देशों द्वारा एजेंडा 2030 को अपनाया गया था, और इस 2030 में 17 लक्ष्य है ना और 169 टारगेट्स, यानी कि 17 गोल्स और 169 टारगेट्स रखे गए थे, जिससे हम क्या कर सकें, एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकें। और इन 17 लक्ष्यों में बहुत सारी बातें की गई हैं है ना, और जिसको जिनके आधार पे देशों को रैंकिंग की जाती है। अगर हमारे यहाँ पे SDG यानी कि इन विकास लक्ष्यों का आकलन के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो नीति आयोग डेटा आकलन करता है, और इसके साथ ही अगर राज्यों की जो योजना आयोग होती है उसमें छत्तीसगढ़ की राज्य की योजना आयोग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट अब जारी करने लगी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ज़िले हैं उनमें कौन टॉप है इन लक्ष्यों में, और इनके साथ ही किसने बेहतर प्रदर्शन किया, तो देखते हैं। तो इसके साथ ही यह कब जारी किया गया, तो 20 फरवरी 2023 को इसका विमोचन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, और इसके साथ हमारे यहाँ पे 17 जो लक्ष्य हैं, जो 17 अलग अलग लक्ष्य हैं उसको भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो अगर हम लोग पहले ही लक्ष्य को जैसे देखें तो पहला लक्ष्य कहता है गरीबी की समाप्ति SDG में, दूसरा लक्ष्य कहता है भुखमरी से मुक्ति यानी कि जीरो हंगर, इसके साथ ही तीसरा लक्ष्य अगर हम लोग देखें तो लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता यानी कि अच्छी हेल्थ की बात कर रहा है, इसके साथ ही चौथा लक्ष्य कहता है गुणवत्तापरक शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन होने चाहिए, इसके साथ ही और जो 17 लक्ष्य हैं जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा वो सारे 17 लक्ष्य इसमें मेंशन हैं। लेकिन अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लक्ष्य नंबर 17 जो है, जो कि महासागरों तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, ये लक्ष्य नंबर 17 जो है वो वैश्विक भागीदारी की बात करता है, और जो कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि 17 जो विकास लक्ष्य हैं उनमें एक लक्ष्य जो कि वैश्विक भागीदारी से संबंधित है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है या लागू नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ एक लॉक्ड स्टेट है और वो भारत का पार्ट है, तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है छत्तीसगढ़। ओके, तो हम लोग देखते हैं
कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें कौन टॉप किया है। तो ये रिपोर्ट मैंने, उसका कवर पेज है, आप चाहें तो इसको लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हो। इसके साथ ही मुख्य जो बातें हैं उसमें मैंने ये ऐड कर दी हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस पेपर नंबर 7 में, क्योंकि मेंस पेपर नंबर 7 जो होता है उसमें सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है, इसके साथ ही सरकार के द्वारा जो कई विभिन्न योजनाओं हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आप ये आंसर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डेटा जो हैं कि इस बार SDG इंडेक्स में कौन कौन सा जिला टॉप किया, इसकी रैंकिंग को आप एक तरीके से वहाँ पे दर्शा सकते हैं, और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दर्शा सकते हैं, और इसके साथ ही इसका डैशबोर्ड का इस बार विमोचन किया है किन्होंने, हमारे CM के द्वारा। तो CM डैशबोर्ड क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डैशबोर्ड क्या होता है। तो डैशबोर्ड वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, समझ लीजिए, जिसमें आप दिन प्रतिदिन के जो पहल की गई हैं उसके मूल्यांकन कर सकते हैं। कहने का मतलब है दिन प्रतिदिन की जो प्रगति रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं उस डैशबोर्ड के थ्रू। ओके, तो हमारे यहाँ पहले यो SDG को हमने समझ लिया कि SDG है क्या, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य के योजना आयोग जो है जो ये रिपोर्ट जारी करेगी उनके कौन कौन से सदस्य हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि राज्य योजना सेंट्रल में होती है नीति आयोग, और राज्य में हमारे यहाँ राज्य योजना आयोग हैं, उनके चेयरमैन कौन हैं हमारे यहाँ, ऑनरेबल CM भूपेश बघेल जी। और इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो वाइस चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम आप याद रखना कि हमारे यहाँ के योजना आयोग के वाइस चेयरमैन हैं अजय सिंह, ठीक है। तो ये अजय सिंह जी रिटायर्ड IAS हैं, ये हमारे यहाँ के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे रिलेटेड न्यूज में, और अगर हम लोग देखें हमारे यहाँ के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री के रूप में वो कौन है, तो अमरजीत भगत जी, ठीक है। इनका पोर्टफोलियो क्या है, तो श्री अमर भगत जी मिनिस्टर प्लानिंग इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, तो इनका भी नाम यहाँ पे याद रखोगे। इसके साथ ही अब हम लोग बढ़ते हैं कि इस SDG डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो मुख्य बिंदुओं को अगर हम लोग देखें तो राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई छत्तीसगढ़ SDG डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 2021 की ऑनलाइन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु यह रैंकिंग जारी की गई है, और इस आधार पर जितने भी हमारे यहाँ के जिले हैं इसमें पूरे 33 जिलों को शामिल नहीं किया गया है, ये रिपोर्ट 2021 की है ना, और इसमें अभी जो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं आप जानते हैं, तो उन 33 जिलों को न शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी जिले जो शामिल किए गए हैं उनको कितने 4 कैटेगरी में बांटा गया है, और इन 4 कैटेगरी में पहला है अचीवर, यानी कि जो 100% तक अपने लक्ष्यों को पूरा कर रखे हों जिन्हें अचीवर की श्रेणी में दिया जाएगा, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कैटेगरी है फ्रंट रनर, यानी कि 65 से 99% तक अंक जिसके हो, परफॉर्मर जिले वो कहलाएंगे जिनके 50 से 64 तक अंक हो, और इसके साथ ही एस्पिरेंट वो कहलाएंगे जो 50 से कम अंक पाए हुए हों। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं इनको हम लोग देखते हैं SDG के रिपोर्ट में, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप मेंस का आगे एग्ज़ाम दोगे तो आपको कई जगह पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, मैप बनाना, मैप बना के इंडिकेट करना चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपके आंसर को ज़्यादा बेहतर बनाती हैं और ये आपको ज़्यादा मार्क्स भी दिलाती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो धमतरी जिला जो है इस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पे है, और इसे कितना अंक मिला है, तो 72। अब यहाँ पे आप मैंने फोकस कर रखा है, जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग में अगर ये यूज करें तो अगर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट अगर दी गई है तो अगर आप सारे जिलों का रैंक तो याद कर सकते नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं वो आप देख सकते हो कि फ्रंट रनर जो हैं, है ना, अचीवर के कैटेगरी में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से कोई भी जिला नहीं है, है ना। अचीवर कहने का मतलब जिसने अपने पूरा गोल हासिल कर लिया हो, जो 16 लक्ष्यों को पूरा कर लिया हो, ऐसा कोई जिला है नहीं। लेकिन फ्रंट रनर के कैटेगरी में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ के जो मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं वे अग्रणी हैं, ठीक है। तो अग्रणी जिले हैं, तो ये आप याद रखोगे, ऐसा मैप बना के आप आंसर में पुट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम लोग टॉप्स को देखें तो धमतरी जिला जो है वो
72 अंक के साथ पहले पोजीशन पे है। इसके साथ ही दूसरा अगर हम लोग देखें तो राजनांदगांव, तीसरा बालोद, तीसरा चौथा दुर्ग, उसके बाद बेमेतरा। ये क्या है, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसमें जो विभिन्न जिले हैं, जिसमें कि 22 जिलों को ही इसमें शामिल किया गया है, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का अगर हम लोग ओवरऑल रैंक देखें तो वो 64 है। ठीक है, तो 64 छत्तीसगढ़ का रैंक है पूरे राज्यों में। और इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में अगर सबसे टॉप जिला कौन सा है तो धमतरी, उसका अंक कितना है तो 72। इसके साथ ही दूसरा राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग। तो एटलीस्ट कम से कम आप टॉप के जो 4-5 हैं उनको याद करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, और इसके साथ ही ये मैप भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। और इसमें जितने भी SDG हैं, जैसे कि जो 16 लक्ष्य हैं, उसमें अलग अलग तरीके से विभिन्न गोल के आधार पे कौन कौन से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो इसके लिए भी यहाँ पे चार्ट दिया गया था उस रिपोर्ट में, तो जो भी मैंने मेंशन कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग बेस्ड SDG डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में कौन कौन से जिले जो हैं वो किन किन गोलों के आधार पर टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे कि गोल नंबर 6 में अगर हम लोग देखें तो टॉप में धमतरी, राजनांदगांव और सरगुजा हैं। इसके साथ ही गोल नंबर 7 में अगर हम लोग देखें तो धमतरी, दुर्ग और रायपुर हैं। ऐसे सारे गोल्स के लिए अलग अलग रैंकिंग भी जारी की गई है। ज़्यादा आप इसमें ना फोकस करके इस चार्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और साथ ही उस मैप पे। और ज़्यादातर आप ये SI के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये याद रखिएगा कि इसमें धमतरी जिले को टॉप में रखा गया है, और इसके साथ ही उसको टॉप में पूछ सकता है या तो बॉटम में, यानी कि आपका सबसे कम प्रदर्शन किसका रहा तो सुकमा जिले का, जो कि 27वें नंबर पे है, जिसका अंक है 51, यानी कि ये परफॉर्मर कैटेगरी में है, है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे बेहतर, मतलब कि कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, सुकमा, और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है तो धमतरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर कि और क्या क्या बातें इस बार के न्यूज़ में कही गई हैं। तो दूसरा न्यूज हमारे यहाँ कहता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जिला ग्रंथालय के लिए ई लाइब्रेरी बनेगा क्लासरूम। यानी कि कहने का मतलब है, हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिनमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको कोचिंग में फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, UPSC के लिए, राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, व्यापम के लिए, साथ ही नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी कई तरह की योजनाएं जो चलती हैं, जो गरीब तबके के बच्चों को जिला स्तर पर कोचिंग के थ्रू पढ़ाई जाती हैं। ठीक वैसा ही पहल हमारे यहाँ के राजनांदगांव जिले में भी किया गया है। राजनांदगांव के अभी कलेक्टर, वर्तमान कलेक्टर, जिनका नाम है डोमन सिंह जी, उन्होंने 18 लाख रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी क्लासरूम का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे आप PSC, UPSC, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, और आप वहाँ पे जाके बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा, मेंस आंसर राइटिंग पेपर नंबर 7 में, जहाँ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, है ना। शैक्षणिक संस्थाओं से रिलेटेड Part 3 पेपर नंबर 7 Part 3 में इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं से जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर सरकार द्वारा उठाई जा रही पहलों पर भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर SI में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअली पूछता है कि ई क्लासरूम का उद्घाटन कहाँ पे, किस जिले में किया गया है, तो आप याद रखोगे राजनांदगांव जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो कृषि मंत्री ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। न्यूज़ कहता है, हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं श्री रविंद्र चौबे जी, ठीक है, उनके द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बेहतर पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के योजना के तहत पॉलिसी दी गई है। हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये केंद्र की एक योजना है, जिसमें फसल के क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को मुआवजा राशि दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पाला, जैसे कि गांव में आप किसान खेती किसानी करते हैं, वो जानते हैं कि अगर गांव में
आपके फसलों को नुकसान हो जाए कीटों से, है ना, कीटों से या और किसी कृमि वगैरह इन सब चीज़ों से, या पाला से, पाला जो कि ठंड में पड़ती है रबी की फसलों को वो बर्बाद कर देती है, है ना, शीत पाला जिसे हम लोग कहते हैं, इन सब के कारण अगर कभी कभी फसल में आग लग गई दुर्घटनावश, है ना, तो ऐसा अगर होता है तो इनके लिए पहले किसान जो हैं वो जा नहीं पाते थे अपने आप को कि उनका फसल पूरा बर्बाद हो जाती थी, तो उनको उनका मूल्य नहीं मिल पाता था। कहने का मतलब है इसीलिए फसलों को सुरक्षित करने के लिए उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू पॉलिसी ली जाती है, जिसके आधार पर अगर आपकी फसल जो है वो नुकसान हो गई प्राकृतिक आपदाओं से, है ना, या मानवीय कुछ कारण हो सकते हैं, तो उसके द्वारा फसल के नुकसान के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाती है, जिसके लिए किसानों द्वारा भी प्रीमियम राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रीमियम राशि एक बार पता नहीं किस क्वेश्चन में पूछा था, मुझे याद आ रहा है, बट आप इसको नोट कर लेना कि हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर खरीफ के लिए और रबी के लिए और बागवानी फसलों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग राशि प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसानों द्वारा फसल बीमा योजना के आधार पर खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम राशि दी जाती है, और इसके साथ ही रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम राशि दी जाती है, और बागवानी फसलों के लिए यानी कि बागवानी फसलों के लिए 5% तक प्रीमियम राशि दी जाती है। ठीक है, तो आप ये परसेंटेज भी याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछता भी है। तो ये एक पहल है फसल बीमा से रिलेटेड, तो आप फसल बीमा योजना को याद रखोगे, और पॉलिसी प्रोवाइड किनके द्वारा की गई, तो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आयोजन किया गया कहाँ पे, सुभाष चंद्र स्टेडियम राजधानी रायपुर में, कब, तो 17 से 19 फरवरी 2023 तक। मिलेट इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि शायद इस पे ऐसे भी बन सकता है, है ना, मेंस पे, तो पेपर नंबर 2 में ऐसे के लिए आप मिलेट को ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि मिलेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इस बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट का, आपने पढ़ा होगा 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और इसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी मिलेट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी पहलें की जा रही हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन भी चलाया जा रहा है, जिसके आधार पर 14 जिलों का MOU किया गया है, किसके साथ, है ना, IIMR हैदराबाद के साथ, है ना, इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के साथ 14 जिलों का MOU किया गया है मिलेट को प्रोत्साहित करने और उनके पैदावार बढ़ाने के लिए, तो ये भी आप याद रखोगे, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का कार्निवल भी किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिड डे मील कार्यक्रम जो होता है, मिड डे मील आप भी जानते हो कि सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो होता है, जिसे हम लोग मिड डे मील के रूप में जानते हैं, है ना, तो जब पहली से पाँचवीं कक्षा के बच्चों को और साथ ही छठवीं से लेकर आठवीं क्लास के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी मिलेट के जो प्रोडक्ट हैं उनको शामिल किए जाने की घोषणा CM के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मिलेट से रिलेटेड और क्या न्यूज़ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस मिलेट कार्निवल में नामी गिरामी शेफ जो हैं, यानी कि नामी गिरामी शेफ मिलेट के नए नए व्यंजन बनाना सिखाएंगे और इसे मेहमानों को परोसेंगे भी, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने 10 जनवरी 2022 को मिलेट मिशन की शुरुआत की गई थी, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 2022। ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके साथ ही मैंने बताया कि IIMR के साथ 14 जिलों के मध्य MOU किया गया है, और राज्य के 10 जिलों में 12 लघु मिलेट प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि कांगेर जिले के नथिया नावा गांव में, तो ये आप नोट कर लेना कि कांगेर जिले के नथिया नावा गांव में सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण, है ना, इकाई की स्थापना की गई है, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ ही 14 जिलों को आप याद रखोगे। ठीक है, उन 14 जिलों में कौन कौन से जिले हैं इसको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था,
तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। इसके साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज, मन संचालन के लिए। ये फैक्चुअल न्यूज है, आप इनका नाम याद रखोगे, खास करके SI वालों के लिए है ये न्यूज, है ना। तो मन संचालन के लिए कामिनी कौशिक का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। कहने का मतलब है ये एंकरिंग करती हैं, इनका नाम है कामिनी कौशल, ये एंकरिंग करती हैं और एक लंबे समय तक एंकरिंग करने के लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ये कामिनी कौशल धमतरी जिले की हैं। किस जिले की हैं ये इम्पोर्टेंट है, धमतरी जिले की हैं और इन्होंने मन संचालन यानी कि एंकरिंग के क्षेत्र में अधिकतम संचालन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके में, ये SI वालों के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू। छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता, ये भी SI वालों के लिए ही न्यूज है, है ना। PSC वाले इसे स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इन द सेंस कि आप इसे ना भी पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन SI वालों के लिए मस्ट है, इसलिए क्योंकि पुलिस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पुलिस का जो राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा जी भी थे, है ना। तो अशोक जुनेजा जी पुलिस महानिदेशक हैं हमारे यहाँ के, DGP, ये आप याद रखोगे। तो PTS परेड ग्राउंड राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में। यह 3 दिनों तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे थे। कहने का मतलब है और भी अन्य राज्यों के खिलाड़ी थे, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग श्रेणियाँ थी। आपको इतना नहीं पढ़ना है कि किसने स्वर्ण पदक जीता, किसने प्रथम पुरस्कार जीता, किसने तृतीय पुरस्कार जीता, ये बस आपको याद नहीं रखना है। बस आप इतना याद रखो कि क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है वो राज्य स्तरीय हो रही थी पुलिस से रिलेटेड। कहाँ पे हो रही थी, तो PTS परेड ग्राउंड में। और इसके साथ ही अशोक जुनेजा जो हैं वो वर्तमान में हमारे DGP हैं, ठीक है। तो SI वालों के लिए इम्पोर्टेंट था एक फैक्ट। और इसके साथ ही आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने विश्वभूषण हरिचंदन। ये काफ़ी ओल्ड न्यूज़ है, बट इसको मैंने कवर नहीं किया था, तो इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसको मैंने एक जगह पे अरेंज कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जो हैं आप जान रहे हैं विश्वभूषण हरिचंदन बनाए गए हैं। इनका ट्रांसफ़र जो है वो आंध्र प्रदेश से हुआ। आंध्र प्रदेश में ये पहले राज्यपाल थे और हमारे यहाँ की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके जी, है ना, उनका स्थान इन्होंने लिया। तो इनके बारे में हमको फैक्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि राज्यपाल पहले क्या थे, इनसे जीवन से रिलेटेड, और अभी जो वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राज्यपाल बनाए गए हैं, सॉरी, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, यानी कि कहने का मतलब है हमारे यहाँ के रमेश बैस, उनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही वह प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके का स्थान लेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर की राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आप ये याद रखोगे कि यहाँ वो कहाँ से आए विश्वभूषण हरिचंदन सर, वो आए आंध्र प्रदेश से। हमारे यहाँ की जो अनुसुईया उइके राज्यपाल थी वो कहाँ चली गई, मणिपुर। इसके साथ ही हमारे यहाँ के जो राज्यपाल बनाए मतलब थे, यानी कि स्थानीय निवासी हैं रमेश बैस जी, उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर हम लोग राज्यपाल जिनकी अभी नई नियुक्तियाँ हैं उनको अगर देखें, तो निम्नलिखित जिलों राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जस्टिस अब्दुल नज़ीर, इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही आप ये नोट करते चलिएगा कि जनरल त्रिविक्रम परनाइक, इनको अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही CP कृष्ण राधा कृष्णन, इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। और इसके साथ ही शिव प्रताप शुक्ल,
इनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है और गुलाब चंद कटारिया इनको असम का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये सभी नाम आप इम्पोर्टेंट है याद रखोगे, आपको कोर्ट में प्रश्न दे सकता है कि अरेंज करिए कौन कहाँ के राज्यपाल हैं या कहाँ कहाँ इनका ट्रांसफ़र हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एसआई वालों के लिए। और इसके साथ ही राज्यपाल जिनका राज्य बदला इनका भी नाम मैंने मेंशन कर रखा है इसमें, तो इसे भी आप एक बार देखते हैं कि रमेश बैंस जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे, ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही विश्वभूषण हरिचंदन जो कि आंध्र प्रदेश में थे और हमारे राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में इनको राज्यपाल बनाया गया। अनुसुईया उइके जी को छत्तीसगढ़ से मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। और इसके साथ ही गणेशन जी को मणिपुर से नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। और फागु चौहान जो कि बिहार के राज्यपाल थे, इन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। और राजेंद्र अरलेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये आप नाम याद रखोगे। इसके साथ ही डॉक्टर बी डी मिश्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्हें लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये सारी नाम है। और इनके साथ ही अगर हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राज्यपाल रहे हैं, तो इनका भी कार्यकाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग देखें तो विश्वभूषण हरिचंदन जो होंगे वो हमारे यहाँ के आठवें राज्यपाल होंगे, ठीक आठवें राज्यपाल होंगे। और इनका जो अरेंजमेंट है वो आप याद रखोगे क्योंकि इसको एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, उसके बाद कृष्ण मोहन सेठ, उसके बाद ई एस एल नरसिम्हन, उसके बाद चौथे शेखर दत्त, उसके बाद बलराम दास टंडन, और उनके बाद आनंदीबेन पटेल और अनुसुईया उइके, और अब आठवें बन गए विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो इनका नाम भी आप इम्पोर्टेंट है याद रखोगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, राज्यपाल से रिलेटेड है। तो आप ये भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल बनाए गए अभी, सॉरी आंध्र प्रदेश से जो आए विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफ़र जो है वो शुरू किया था, और जिसके बाद 1977 में वो जनता पार्टी से होने के साथ साथ जनसंघ के में आंध्र प्रदेश के सचिव भी बनाए गए थे, महासचिव। और इसके साथ ही हरिश्चंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे हैं, और 1980 से 1988 तक वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। तो बीजेपी पार्टी से इनका संबंध रहा है। और इनके साथ ही 2004 से वो आंध्र प्रदेश में बीजेपी और बीजेडी सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर भी उन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं हमारे यहाँ के राज्यपाल से रिलेटेड। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम लोग बढ़ें तो छत्तीसगढ़ में 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का नया रिकॉर्ड हुआ, है ना। तो न्यूज़ जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब से सरकार चेंज हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हर साल जो है धान की खरीदी का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में और मेंस आंसर राइटिंग में खास करके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, डेटा होती हैं, उसको आपको आंसर में पुट करना होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको पेपर नंबर फाइव में, है ना, जहाँ पे आपका भूगोल और इकोनॉमी वाला सेक्शन है, वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और इसके साथ ही अगर ये योजनाओं से रिलेटेड अगर पेपर नंबर 7 में पूछ दिया, है ना, योजनाओं से, क्योंकि पेपर नंबर 7 में योजना का सेक्शन है, तो उससे अगर आपको पूछ दिया कृषि से रिलेटेड कोई योजना, तो उसमें भी आप ये आंसर पुट कर सकते हो, ये डेटा पुट कर सकते हो, जिससे आपका आंसर अच्छा लगेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं। और साथ ही एसआई वालों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट पूछ दिए कि कितना खरीदी हुआ इस बार, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग खरीफ विपणन वर्ष 2022 और 23 में। तो खरीफ विपणन वर्ष इस बार का 2022-2023 में कितना खरीदी हुआ, तो हमारे यहाँ 107.52 लाख मीट्रिक टन। और धान की खरीदी इस बार कब से की गई, तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक महीने पहले इस बार हो गया था, है ना, जनरली जो है 1 दिसंबर से चालू होता था, बट इस बार जो धान खरीदी है वो 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक चला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इस बार हमारे यहाँ लक्ष्य कितना रखा गया था,
तो 110 लाख मीट्रिक टन है ना धान खरीदी का इतना लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध कितनी खरीदी हुई तो 107.52 लाख मीट्रिक टन, ठीक है तो खरीदी हुई। इसके साथ ही बीते साल यानी कि पिछले साल अगर हम लोग देखें तो 98 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी हुई थी। और इसके साथ ही अगर मेंस में ये आंसर आपको अगर पुट करना है तो ये सारे बातें आप एक छोटे से जगह में चार्ट बना के भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चार्ट में अगर ये चीज़ मैं डेटा लिखना चाहूँ तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको मान लिया जाए है ना, अगर आपको मान लिया जाए ये क्वेश्चन आता है धान खरीदी से रिलेटेड, ओके तो धान खरीदी से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप धान खरीदी को बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार के कृषि से रिलेटेड बहुत सारी योजनाओं से धान की जो पैदावार है वो बढ़ी है और साथ ही सरकार द्वारा जो प्रोक्योरमेंट है यानी कि उपार्जन जो किया जा रहा है वो भी हर साल बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको धान खरीदी लिखेंगे, विपणन वर्ष ना लिख के यहाँ पे लाख LMT लिख सकते हैं, लाख मीट्रिक टन। और इसके साथ ही इससे पहले वाले में कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ और इस साल कितना हुआ, यहाँ पे आप ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हो कि पिछले बार 92 लाख मीट्रिक टन, फिर उसके बाद 98 लाख मीट्रिक टन, फिर इस बार 107.52 लाख मीट्रिक टन। यहाँ पे आप विपणन वर्ष लिख सकते हो, इस बार का 2022-23, इस बार का 21-22 और ये 2020-21। ऐसा आप चार्ट बना के लिखोगे, टेबल बना के, तो ये आपका जगह भी छोटा घेरेगा, ठीक है। आपने सारी चीज़ें लिख भी दी और ये सारी चीज़ें एग्जामिनर को अच्छी भी दिखेंगी, चेकर जो रहेगा वो आपको मार्क्स भी ज़्यादा देगा। और यहाँ पे ऐसे बढ़ोतरी वाला आप साइन भी लगा सकते हो, तो ये आपने डेटा भी पुट कर दिया, आपका आंसर डायनामिक हो गया है ना। तो ऐसे चीज़ें आप कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग वालों को बोल रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं और मेंस आंसर SI के जो मेंस हैं उनके लिए तो ये डेटा ही इम्पॉर्टेंट है कि इस बार कितना खरीदी हुआ, तो 107.52 लाख मीट्रिक टन। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि और क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि इस बार समर्थन मूल्य में जो यानी कि MSP में धान बेचने वाले जो किसान थे वो 23,41,935 थे, है ना। तो 23,41,935 किसानों ने MSP पर धान बेचा। तो छत्तीसगढ़ देश में पंजाब के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी हुई, तो पंजाब के बाद सेकंड है हमारा स्टेट। इसके साथ ही MSP पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा धान खरीदी के अगर हम लोग देखें तो पंजाब के बाद दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ है, और अगर MSP पे अगर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ हमारा पहले पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धान खरीदी से रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप याद रखोगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार नेक्स्ट न्यूज है। ये मैंने इसलिए ये न्यूज लिया था क्योंकि पिछले बार पेपर नंबर 7 में क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में, वो पेपर नंबर 7 में बड़ा नंबर में 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन था कि वहाँ पे ना छत्तीसगढ़ की बात की गई थी ना राष्ट्रीय स्तर पे बात की गई थी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे थे कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों के बारे में बताइए, है ना। ये पेपर नंबर 7 में ये क्वेश्चन था कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या पहल की जा रही है। अब इस आंसर को आप कोई भी वहाँ पे तैयार करके नहीं जा रहा था, ठीक है, आपको वहाँ पे क्रिएट करना होता है आंसर, ठीक है। तो आपने हर चीज़ पढ़ा है उसी को ही आप आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसको पेपर नंबर 7 में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने उसको फेस किया था उस क्वेश्चन को, तो मैंने उसको वहाँ पे लिखा नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर पे पूछा है कि छत्तीसगढ़ स्तर पे, तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है
है ना, कि राष्ट्रीय स्तर में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको आपने आधा लिखा, और छत्तीसगढ़ स्तर पे जो शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है ना जो कार्य किए जा रहे हैं उसको आप लिख दिया, और मैंने टेबल बना के इकोनॉमिक सर्वे के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि सकल नामांकन दर जो है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कैसी है, और इसके साथ ही शिक्षक शिक्षा अनुपात कितना है, मतलब कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होता है उसका नंबर इकोनॉमिक सर्वे में होता है, उसके डेटा को मैंने पुट कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर को कैसे भी एक जगह पे अरेंज करके यूज कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको करंट से ही मिलेंगी। कई बार आपके करंट के जो डेटा होंगे, करंट के डेटा ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके आंसर को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है देखते हैं हम लोग ये न्यूज़ कि मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार किनको, तो हमारे यहाँ शिक्षकों को दिया गया। हमारे यहाँ शिक्षा में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसमें चार विभूतियों के नाम पे दिया जाता है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है जिसमें विकासखंड स्तर में, जिले के स्तर में, संभाग के स्तर में जो टीचर होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि ये सम्मान राशि काफ़ी कम होती है, बट एक तरीके से ये भी शिक्षकों को प्रोत्साहित करता है अच्छा करने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, और साथ ही अच्छी नई नई पहले करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ के डॉक्टर प्रेम साय टिकाम जी द्वारा इनमें सम्मान दिया गया शिक्षकों को, जिसमें 31 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया। ये सम्मान कैसे कैसे हैं, तो ज्ञानदीप, शिक्षा दूत, शिक्षा श्री और व्याख्याता और प्रधान पाठकों की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। अगर हम लोग इन पुरस्कार की श्रेणियों को देखें, ज़्यादा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि शिक्षा दूत पुरस्कार किसे दिया गया, है ना, लेकिन ये आपको इसलिए याद करना है मेंस आंसर राइटिंग में, एसआई में तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो कि शिक्षकों को प्रोत्साहित कर दें, और यहाँ पे हमारे राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है जिसमें कुछ सम्मान राशि शिक्षकों को दी जाती है, जिससे क्या हो सकता है, बेहतर शिक्षा का विकास हो सकता है, शिक्षक प्रोत्साहित हो सकते हैं अच्छी पहल करने के लिए और अच्छा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो विकासखंड स्तर पर कक्षा पहली से पांचवी तक के शिक्षकों को जो बेहतर शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा दूत पुरस्कार दिया गया, जिसमें उनको 5,000 रुपये की राशि दी गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर जो पूर्व माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के जो बच्चे हैं, यानी पूर्व माध्यमिक कहने का मतलब छठवीं से आठवीं तक के जो बच्चे हैं, उन्हें 7,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई जिसका नाम है ज्ञानदीप पुरस्कार। ठीक है, और संभाग स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो अध्यापक अध्यापन करते हैं उन शिक्षकों को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पे तीन बात याद रखोगे कि प्राथमिक क्लास के जो शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा दूत पुरस्कार से 5,000 की राशि दी गई, और इसके साथ ही जिला स्तर पर जो पूर्व माध्यमिक यानी कि 6वीं से 8वीं तक के जो शिक्षक हैं उनको उन शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार से 7,000 रुपये की राशि, इसके साथ ही संभाग स्तर पे जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें उनको 10,000 रुपये की राशि दी गई, और इसके साथ ही विकास और संभाग स्तर पर व्याख्याता और प्रधान पाठकों को भी जो बेहतर प्रधान पाठक है उनको भी, यानी प्रधान पाठक कहने का मतलब प्रिंसिपल स्कूल से, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। तो ये अमाउंट आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में शिक्षा से रिलेटेड जो पेपर नंबर 7 का पार्ट 3 है उसमें आप ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि युवा राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा उनके जन्मदिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि यह आयोजन जो है वो कब हुआ, 28 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में 3 दिवसीय आयोजन था, लेकिन ये इसकी घोषणा की गई थी कि ये किनको समर्पित है, स्वामी विवेकानंद जी को। तो आप ये याद रखना कि भले उनका जन्मदिन 12 तारीख को है, 12 जनवरी को है, बट उस महीने में ही युवा दिवस का महोत्सव का आयोजन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किया गया, और अब घोषणा की गई है कि इसे हर साल किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इवेंट हुआ इसमें। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव
जिसका शुभारंभ किया हमारे भूपेश बघेल जी ने। तो ये कब हुआ, तो आप ये डेट याद रखोगे 28 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय यह आयोजन था, जो कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में संपन्न हुआ। इसमें क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ में आयोजन में सबसे ज़्यादा ये आयोजन में आकर्षण क्या क्या थे, तो विविध खेल थे, है ना, और कई प्रकार के जो नृत्य है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय गायन है, शास्त्रीय वादन है, साथ ही भारतीय और पाश्चात्य संगीत का प्रतिस्पर्धा है। खेल में भी यहाँ खेल का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय खेलों को है ना प्रमोट किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ ओलंपिक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था। सेम वही खेल कबड्डी, खो खो, कुश्ती, गेड़ी दौड़, फुगड़ी, भंवरा, इनका भी आयोजन किया गया। साथ ही वक्तव्य कला यानी कि वाद विवाद और समसामयिक विषयों पर जो भाषण होते हैं उनका भी आयोजन इसमें किया गया है। तो ये मुख्य आकर्षण से आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेन्स आंसर राइटिंग में कि युवा महोत्सव का अगर हमारे को क्वेश्चन पूछता है कि राज्य में युवाओं से रिलेटेड क्या पहले की जा रही हैं, तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही राउत नाचा, पंथी, सरहुल, सुवनित, इन सब नृत्यों का भी आयोजन इसमें किया गया। तो युवा महोत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हमारे यहाँ पे, और ये आपको क्वेश्चन बन सकता है पेपर नंबर 6, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन बन गया अगर 2 नंबर 4 नंबर का। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, एक तरफ कि इस बार युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है, कब घोषणा की गई थी, इस बार के युवा महोत्सव में क्या क्या आकर्षण थे, है ना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका आयोजन जो है खेल एवं युवा विभाग द्वारा किया जाता है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खेल एवं युवा विभाग के मंत्री कौन है, तो उमेश पटेल जी, ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रिपा का आयोजन किया। ये न्यूज़ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियल बना दिया था प्रीलिम्स के पहले, है ना, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि पहला वाला कौन सा है ना, क्योंकि मैंने जनमन से ही ये डेटा कलेक्ट किया था और साथ ही DPR के साइट से भी छत्तीसगढ़ के। तो जब कुलगांव में जब रिपा का उद्घाटन किया गया था, उसे भी जो है प्रथम रिपा कहा गया था, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इसके साथ ही तुरेनार में भी जो हुआ उसे भी कह दिया गया था। तो सबसे बड़ा जो था तुरेनार वाला था, है ना, तो पहले पे आपको फोकस नहीं करना है, बस ये है कि अच्छा हुआ कि ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं कि छत्तीसगढ़ में पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन सा है, और अगर उसमें कुलगांव और तुरेनार दोनों होता तो फिर ये थोड़ा विलोपित वाला क्वेश्चन हो जाता है ना। तो हम लोग पहले ये समझते हैं, जिनको पता है उनको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट जो नहीं जानते वो अभी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रिपा है क्या। तो हम लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा हमारे गौठानों को, है ना, जो हमारे यहाँ की सुराजी ग्राम योजना में नरवा, गुरवा, गरवा, बारी, इस योजना के थ्रू गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। इन गौठानों को कैसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा सकते हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर में ही ग्रामीणों को रोजगार प्रोवाइड किया जा सके और स्थानीय स्तर में जो उनके उत्पाद हैं उनको कैसे बेचा जा सके और कैसे प्रमोट किया जा सके, स्थानीय स्तर पे ही उन्हें कच्चा माल उपलब्ध हो और उन्हीं से वो वैल्यू एडिशन करके क्या कर सकें, प्रोडक्ट बना सकें और अपनी आय सृजित कर सकें। इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के मतलब कि जो तैयारी है वो की गई है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्या है, कब आयोजन किया गया, लोकार्पण पहला 26 जनवरी 2023 को कहाँ पे, तो बस्तर ज़िले के तुरेनार में। अब ये आप याद रखोगे कि बस्तर ज़िले के तुरेनार में पहला रिपा का लोकार्पण किया गया, लेकिन हालांकि मैंने बता दिया कि ये DPR के साइट से मैंने दोनों को निकाल रखा है, जिसमें दोनों लेखों के लिए यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का पहला रिपा जो है वो कहाँ पे है, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि कुलगांव में छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है ना। अब यहाँ पे ये DPR का ही साइट है, अब इसमें कुलगांव यानी कि कुलगांव कहाँ है, कांकेर में, उसे पहला रिपा कहा जा रहा है ना। लेकिन अगले ही पेज में DPR के साइट में कह देता है कि
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में तुरैनार में देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा का लोकार्पण किया है ना। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, पहले मैं आप फोकस न करके आप इतना याद रखो कि ये रिपा है क्या, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में आपसे नहीं पूछने वाला कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, आपको पूछेगा डायरेक्ट महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बताइए, है ना। और इन्हें इस रिपा को नाम भी किनके लिए दिया गया है, महात्मा गांधी के नाम पे। महात्मा गांधी के नाम पे ही क्यों दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है गांधीवादी है ना, गांधीवादी विचारधारा के तौर पे अगर हम लोग देखें तो वो कुटीर उद्योगों को ज़्यादा प्रमोट करते थे, है ना। कुटीर उद्योग जो घरेलू उद्योग हैं, और स्थानीय स्तर पर कैसे किसानों या ग्रामीणों को आय सृजित किया जा सके उसके लिए कुटीर उद्योग जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गौठाने को ही कुटीर उद्योग के रूप में प्रमोट करना। तो हमारे यहाँ प्रदेश भर में कितने टोटल 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। तो ये नंबर आप याद रखोगे कि 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही प्रदेश भर में रिपा का तैयारी हो रहा है। और अगर हम लोग देखें तो रिपा में कई गतिविधियां हैं जो की जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने पिक्चर अच्छा लगा तो मैंने इंक्लूड कर दिया था, जिसमें गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो रिपा रूरल गौठानों को रिपा यानी कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गठित किया जा रहा है ना, प्रोत्साहित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, और इसके साथ ही वहाँ पे गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, गोबर स्थानीय स्तर पे ही उनको मिल जाएगी, गौठानों से गाय का गोबर उनको प्राप्त हो जाएगा, और उन्हीं से क्या कर सकते हैं, वो पेंट बना सकते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता उनको ग्रामीण स्तर पर ही होगी, और अगर आप उनको यह प्रशिक्षण दे दें कि इसको कैसे बनाया जाता है ना, तो कच्चे माल की उपलब्धता ग्रामीणों को बहुत अच्छे से होती है। ग्रामीण बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख भी जाते हैं, एक तो मेहनती होते हैं, है ना, तो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं वो कि कैसे करना है। आप उनको प्रोसेस बता दो, है ना, आइडिया दे दो और इक्विपमेंट दे दो, कहने का मतलब मशीन दे दो और उन्हें आइडिया दे दो और ये बता दो कि ये प्रोसेस है, ऐसा करके बनाया जाता है, वो मेहनती होते हैं, वो बना लेंगे ये चीज़, ठीक है। और ग्रामीण स्तर पे अगर ऐसा किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो बाहर में वो प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, दूसरे राज्य कमाने खाने चले जाते हैं, वो नहीं होगा, अगर उनको स्थानीय स्तर में ही क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन ऐसे में भी बन सकता है, पेपर नंबर 2। तो ये आप याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं कि तुरैनार में एक्चुअल में क्या क्या किया जा रहा है। तो हम लोग देखें तो राज्य शासन के सहयोग से विभिन्न समूहों द्वारा, है ना, रिपा में मशरूम स्पान लैब, ऑयस्टर मशरूम उत्पादन, बटन मशरूम उत्पादन, है ना, तो मशरूम उत्पादन के साथ साथ काजू प्रसंस्करण, कोदो कुटकी, रागी मसाला, तिखुर प्रसंस्करण, अचार निर्माण, सुगंधित चावल एवं दाल उत्पादन, इमली कैंडी, चपाती निर्माण, चिरौंजी प्रसंस्करण, ये सारी काम जो है वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गौठानों में डेवलप की जा रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो, और अगर इससे ऐसे बना तो काफ़ी इसके प्रोज और कॉन्स आप देख लेना, है ना, क्या इसके अच्छे महत्वपूर्ण पहल हैं, चीज़ें हैं, और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव तो मुझे कुछ नहीं लगता इसमें ज़्यादातर, है ना, खैर वो आप बोल सकते हो कि आपको प्रशिक्षण देना है, आप सुझाव के तौर पे ग्रामीण को पहले प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, है ना, कई जगह पे गौठानों की हालत और ख़राब हो रही है, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना, लेकिन अगर इसमें सुधार किया जाए तो ये काफ़ी अच्छी योजना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे, तो रिपा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार आप इसका तैयारी करके जाओ, ठीक है। और ये मैंने वो जो डिस्प्यूट था उसको सेटल करने के लिए पिक्चर लगा दिया था कि पहला वाला कौन सा है। आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या क्या घोषणाएं की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, ज़्यादातर मेंस में इसमें क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एसआई वालों को पूछ सकता है कि सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई, जिनमें से कौन कौन से शामिल है, तो वो आपको ऑप्शन दे सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में हुआ अगर मेंस, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन कौन सी घोषणाएं की गई। घोषणा वो कर दिए रहते हैं, ठीक है, योजना फिर बाद में बताई जाती है उससे रिलेटेड, ठीक है, योजना में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं उनको बाद में वो रिवील करते हैं कैबिनेट मीटिंग के थ्रू, या नई योजना लाते हैं तो बजट में बताते हैं, ठीक है, लेकिन घोषणा वो कर दिए रहते हैं, इसलिए हो जाता है इम्पोर्टेंट,
क्योंकि इस डेट के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछे हैं, और आपको पता ही है CGPSC को डेट बहुत है ना, डेट से बहुत प्यार है। CGSE में रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनको दिना डेट से बहुत प्यार है, वो डेट को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेट में आप याद रखोगे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन कौन से योजनाओं की घोषणा की गई। तो पहला ही योजना क्या है, योजना या कोई और पहल हो सकती है। तो पहला है प्रदेश में आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा। कहने का मतलब है आगामी वित्तीय वर्ष जो होंगे उसमें सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसमें आदिवासी समाजों के जो पर्व होते हैं, जो पर्व मनाते हैं, उनके आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत, यहाँ पे आप याद रखोगे ग्राम पंचायत, ओके है ना, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बस्तर क्षेत्र और सरगुजा संभाग में जानते हैं कि बहुत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनके अपने अलग अलग स्थानीय पर्व होते हैं, बीज बोहरानी, गोबर बोहरानी, जतार, जात्रा है ना, ये सारे बहुत सारे पर्व होते हैं, जगार वगैरह। तो ये इनको आयोजन करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी, ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। इसके साथ ही युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ये काफ़ी है ना बर्निंग इशू है बहुत लोगों के लिए, बेरोजगारी का थोड़ा सा राहत समझ लो, है ना। खैर इसमें भी इतना क्राइटेरिया है, आगे हम लोग देखेंगे, ये भी न्यूज़ जो मैंने मेंशन किया है, इतना क्राइटेरिया है कि मत पूछो, है ना, कि पता नहीं कौन बेरोजगार है। तो ये मेम्स बन रहा था, छोड़ो इस उसमें नहीं पढ़ना है अपने को। अब आप बस इतना याद रखो न्यूज़ के परस्पेक्टिव से कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि इसी बार के बजट में घोषणा की गई है कि हमारे यहाँ के बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कितना, 2500 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट आप याद रख लेना 2500 रुपये प्रति माह। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे और क्या घोषणा की गई CMG के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन करने हेतु नई योजना लाई जाएगी, है ना। महिला उद्यमिता कहने का मतलब है इंडस्ट्री, है ना, तो महिला से रिलेटेड जो उद्यमी होते हैं, महिला उद्यमी जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक नई योजना लाई जाएगी, जिसमें महिला स्व सहायता समूह और महिला व्यवसायियों और महिला स्टार्टअप्स को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नई योजना आरंभ की जाएगी। योजना कई हैं, है ना, मुद्रा योजना है ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन स्पेशली इसको किसके लिए लेके लाया जाएगा, महिलाओं के लिए। हो सकता है इसमें ऋण का भी प्रावधान हो, है ना, बिना ऋण के तो कोई रोजगार चला नहीं सकता, कहने का मतलब है लोन, है ना, तो लोन में सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो इसके लिए एक नई योजना लाई जाएगी, आप इसकी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके साथ ही आगे हम लोग देखें तो राज्य में गठित होगा नवाचार आयोग, इसकी गठन कर भी दिया गया है, ये आप याद रखोगे कि हमारे यहाँ राज्य में नवाचार आयोग का गठन कर दिया गया है, और इसके प्रथम अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया है किसे, तो विवेक ढांड को, ठीक है, ये आप नाम नोट कर लेना कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का गठन किया गया है, किस लिए, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के लिए, छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर अनवरत जारी करने के लिए, हमारे यहाँ पे नवाचार को प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक ढांड, ठीक है। ये पेन का कलर रेड कर लेता हूँ, ठीक है, विवेक ढांड, ठीक है, ये IAS रह चुके हैं हमारे यहाँ के, है ना, छत्तीसगढ़ कैडर के, और इन्हें बनाया गया है नवाचार आयोग का अध्यक्ष, तो ये आप याद रखोगे। इसके साथ ही अगला न्यूज क्या है, नवाचार क्या है, नवाचार से आप क्या समझते हैं, नवाचार कहने का मतलब है इनोवेशन, है ना। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं पिछले वर्षों में लागू की गई हैं, जिसी के कारण क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम लोग देखें तो वैश्विक स्तर पर जो भारत की रैंकिंग है नवाचार के क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छी हुई है ना। पिछले कुछ वर्षों में रैंकिंग जो है 80 के पार रहती थी, है ना, लेकिन अगर हम लोग पिछले बार के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को देखें तो भारत की रैंकिंग थी 40वां,
है ना, 14th। और इससे पहले अगर हम ये 2022 का रैंकिंग है, ओके, अगर 2021 में हम लोग देखें तो रैंकिंग था 46th, यानी कि एक ही साल में 6 स्थान का छलांग, है ना। तो इंडिया ने इनोवेशन के क्षेत्र में काफ़ी पहल की गई हैं, इसीलिए हमारा जो रैंकिंग है बढ़ रहा है, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स भी बढ़ रहे हैं, है ना। अब तो हमारे यहाँ का इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड में 3rd में आता है ना, US और चाइना के बाद। तो आप ये भी याद रखना कि स्टार्टअप हमारे यहाँ काफ़ी प्रमोट हो रहा है, जिससे कि नवाचार के ही कारण, ठीक है। तो ये आगे हम लोग, वो नेशनल न्यूज का पार्ट है। खैर, आप इसी को छत्तीसगढ़ लेवल में बढ़ाने के लिए ही नवाचार आयोग का गठन किया गया है, कि राज्य में भी क्या हो, इनोवेशन प्रमोट हो। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट न्यूज है, राज्य में बनेगी एयरो सिटी, है ना। तो रायपुर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए एयरो सिटी बनाई जाएगी, ऐसी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो एयरपोर्ट है हमारे यहाँ रायपुर में, उसको भी डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में बनेगी ग्रामीण उद्योग नीति। कहने का मतलब है, हमारे यहाँ की जो पिछला राज्य सरकार चेंज होने के बाद औद्योगिक नीति 2019 और 2024 संचालित है अभी वर्तमान में, है ना। औद्योगिक नीति 19 से 24, तो स्पेशली अब ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी नीति लाई जाएगी, है ना। इसमें आगे अगर नीति बनाई जाएगी तो उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन इसकी घोषणा की गई है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो ये आप याद रखिएगा। आगे और क्या घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ में, तो औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से मिलेगी छुट्टी, कहने का छूट, है ना। तो औद्योगिक इकाई मतलब कि इंडस्ट्रीज जो होते हैं, है ना, यूनिट्स, उनको उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। इसमें कुछ सब्सिडी दे सकती है, अभी काफ़ी इसको न्यूज को रिवेल नहीं किया गया है, है ना, बट इतना किया गया है कि संपत्ति कर से यानी कि इनकम टैक्स से थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। और इसके साथ ही जीवनदायिनी खारून नदी पे बनेगा रिवर फ्रंट, है ना। तो ये भी आप याद रखोगे कि रायपुर और दुर्ग जिले की जो जीवनदायिनी है, जिसको किसको कहते हैं हम लोग, खारून नदी को, वहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जिससे क्या हो, टूरिज्म प्रमोट हो, है ना, लोग वहाँ पर घूमने जाएँ, है ना, काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, तो वहाँ पे लोग जाके घूमने जाते हैं और उससे टूरिज्म भी प्रमोट होता है। वहाँ पे स्थानीय जो चाट ठेला वाले होते हैं, ठेला वाले होते हैं, है ना, उनकी भी आय बढ़ती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। और इसके साथ ही विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए बनेगी आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली। कहने का मतलब है, हमारे यहाँ पे जो विद्युत विभाग है उससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनको ऑनलाइन निराकरण प्रणाली भी का गठन किया जाएगा। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि विद्युत विभाग द्वारा हमारे यहाँ चलाई जाती है मोर बिजली ऐप, ठीक है। मोर बिजली ऐप के थ्रू ही आप क्या करते हैं, बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, है ना, बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य की ऐप है, ठीक है, ये आप याद रखना, ये याद ना हो तो नोट कर लेना, छत्तीसगढ़ सरकार की विद्युत विभाग की ऐप है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है मोर बिजली ऐप, मोर बिजली ऐप। और इसमें आप पिछला जो बकाया है, इस बार मेरा कितना यूनिट मैंने यूज किया, कितना मेरा बिल आया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो और उसके साथ ही भुगतान भी कर सकते हो। बट इसमें शिकायत निवारण प्रणाली की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या किया जाएगा कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अत्याधुनिक प्रकार की शिकायत निवारण प्रणाली होगी, जो कि आप डिजिटली थ्रू में आप क्या कर सकते हो, शिकायत को देख भी सकते हो और उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका उसका अनुमोदन हुआ है कि नहीं, ठीक। तो ये इसके लिए घोषणा की गई है मुख्य सीएम के द्वारा। आगे हम लोग देखें, निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना चालू की गई है ना। तो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ के जो भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल होते हैं, उसमें लगातार 3 साल के पंजीकृत जो निर्माणी श्रमिक होंगे, उन्हें स्वयं के मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये के अनुदान देने के लिए योजना लाई जाएगी, है ना।
तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले ही स्वतंत्रता दिवस या पिछले बजट में आई थिंक मुझे याद आ रहा है ये घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के बेटियों के लिए, है ना, जो इसमें पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनके बेटियों के लिए एक योजना लाई गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं नोनी सशक्तिकरण योजना, है ना। तो उसको भी आप पढ़ लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये उन्हीं श्रमिकों के लिए ही योजना लाई गई है जिसमें उनको स्वयं के पैसे से अगर, है ना, मकान बनाना हो तो उनके लिए उनको 50,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और अगर हम लोग और क्या घोषणा की गई है, तो राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार हमारे यहाँ कौशल्या महोत्सव का के तौर पे और चंदखुरी में प्रतिवर्ष महाकौशल्या महोत्सव का आयोजन होगा। कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में माता कौशल्या का, है ना, जन्म स्थान माना जाता है राज्य सरकार के द्वारा, तो वहाँ पे माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के रामायण मानस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार जो किया गया था उसमें भी राज्य स्तरीय जितने भी प्रतिभागी थे उनका आयोजन किया गया था, उसकी अलग अलग पुरस्कार राशि के लिए भी सरकार ने घोषणा की गई थी, है ना, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिया गया था मानस मंडलियों को। तो इसे ही प्रमोट करने अब क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर रामायण मानस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें अन्य राज्यों के भी जो रामायण गाने वाली मंडलियाँ हैं वो आके इसमें प्रतिभागी बन सकती हैं, इसके लिए घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें कही गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा। आगे हम लोग देखें तो और क्या न्यूज है, है ना, तो काफ़ी न्यूज है इस बार, ठीक है। मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, 3 महीने की चीज़ें इसमें हैं बहुत सारी, बट अब हम लोग देखेंगे जितना हो सकता है करेंगे और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट न्यूज क्या है, छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को मिला पद्मश्री सम्मान के लिए चयन, है ना। तो हमारे यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियाँ यानी कहने का मतलब है हमारे यहाँ के 3 लोगों को छत्तीसगढ़ के, है ना, पद्मश्री सम्मान के लिए सूचित किया गया है। तो 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में 2023 के लिए, है ना, ये आप याद रखोगे कि कौन से वर्ष के लिए, 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया, है ना। अभी हम लोग देखेंगे डोमार सिंह और कौन कौन है, है ना, तो आप ये याद रखना कि ये 3 जो विभूतियां हैं वो कौन है वो देखते हैं। तो पहले हैं हमारे यहाँ पे, ये समझ लेते हैं कि पद्मश्री सम्मान क्या है, इसके लिए हमारे पास ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पद्मश्री क्या है, पद्मश्री सम्मान क्या है, है ना, इस बार कितने लोगों को दिया गया, ये करंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले बार PSC में ही क्वेश्चन पूछ दिया किसे मरणोपरांत मिला था, है ना, तो काफ़ी, तो पद्मश्री को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। विशेष देखें तो कुल इस बार 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। टोटल कितने हैं पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, 106, तो ये आप नंबर याद रखोगे, ठीक है। और इसके साथ ही 6 पद्म, इसमें 106 में 6 पद्म विभूषण शामिल हैं, 9 पद्म भूषण शामिल हैं और 91 जो है वो पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। और पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं, तो इन 106 में 19 जो हैं वो महिलाएं हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही विदेशियों और NRIs और PAIs यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, है ना, और PIO, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI, है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऐसा कहते हैं इनको, ये एक्चुअल में नागरिकता प्रोवाइड करते हैं जो प्रवासी इंडियन होते हैं, है ना, प्रवासी कहने का मतलब है जो कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं या भारतीय नागरिक जो विदेशी मूल्य में प्रवास कर रहे हैं या रह रहे हैं, ऐसे कैटेगरी के लिए OCI और PIO दिया जाता है। ये पॉलिटी का टॉपिक है, है ना, नागरिकता वाला सेक्शन में। तो उनमें से यानी कि वैसे भारतीय मूल के कौन हैं, तो 2, ओके, तो ये आप याद रखोगे कि 2 ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन 106 में 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। साथ ही मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, तो 7,
ठीक है, यानी कि जिनकी डेथ हो गई उसके बाद अनाउंस किया गया है ये पुरस्कार, तो ऐसे 7 लोग हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। तो पद्मश्री अवार्ड के लिए हमारे सबको याद नहीं रखना है, अपने को कम से कम एटलीस्ट ये याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी हैं, है ना, उसमें कौन कौन से चीज़ें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों में कौन कौन है। तो पहला है हमारे यहाँ सुश्री उषा बारले। ओके, सुश्री उषा बारले ये दुर्ग जिले की हैं, है ना, और ये क्या हैं, तो पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये आप याद रखोगे नाम किस जिले से हैं और इनके साथ ही किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो उषा बारले जी दुर्ग जिले की हैं और पंडवानी गायन के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, और इसके साथ ही इन्होंने प्रख्यात पंडवानी गायक पद्म विभूषण तीजन बाई के साथ भी क्या किया है, प्रशिक्षण लिया है पंडवानी गायन का। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। दूसरा पद्मश्री पुरस्कार किन्हें गया है, तो डोमार सिंह कुंवर। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये बालोद जिले के हैं, है ना, ये आप याद रखोगे कि डोमार सिंह कुंवर जी कहाँ के हैं, बालोद जिले के हैं, ग्राम लाटा बाड़ाबोर। ओके, और ये नृत्य कला के साधक और मशहूर कलाकार हैं, है ना, तो ये भी लोक संगीत के क्षेत्र के ही हैं। तो नृत्य कला में इन्हें डुमार सिंह कुंवर जी को जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ की विलुप्त तो होती नाचा कला को, है ना, देश और विदेशों में लेके, है ना, प्रोत्साहित कर चुके हैं और आयोजन होने वाले उन जगह पे अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, तो नाचा के क्षेत्र में किनका नाम है, डुमार सिंह कुंवर, इनको पद्मश्री दिया गया है। इसके साथ ही तीसरे कौन है, तो अजय कुमार मंडावी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, काफ़ी हम्बल इंसान है, इनके बारे में कभी आप देखना इंटरव्यू वगैरह में, काफ़ी सीधे साधे और काफ़ी इतना बेहतर इंसान है ना, काफ़ी बेहतर इंसान है। तो अजय कुमार मंडावी जी ये क्या करते हैं, तो ये कास्ट कला वाले हैं। ओके, ये कहाँ के हैं, तो कांकेर जिले के हैं, ये कांकेर जिले के गोविंदपुर गांव के, जहाँ अजय कुमार जी मंडावी जो हैं वो कास्ट शिल्प से रिलेटेड, यानी कि जो ट्राइबल होते हैं हमारे यहाँ, है ना, आदिवासी, उनकी कास्ट कला होती है, है ना, कास्ट कला यानी कि लकड़ियों से वो जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, मूर्तियाँ हो गया और कुछ हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लकड़ी से जो बनाते हैं, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अजय कुमार मंडावी जी, और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया, इसलिए क्योंकि ये जेल जाते थे, है ना, जेल में जो कैदी होते हैं जो नक्सली हैं, है ना, नक्सली के रूप में जिनको आरोप सिद्ध किया जा चुका है, जो जेल में होते थे उनको जाके ये कास्ट कला को प्रशिक्षण देते थे, है ना, तो कितना अच्छा काम है कि जो बंदूक पकड़े हुए हैं उन्हें ये कलम पकड़ा रहे हैं, या समझ लो औजार पकड़ा रहे हैं कुछ काम के लिए, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ना जरूर, है ना। तो अजय कुमार मंडावी जी कांकेर जिले के हैं, ये ट्राइबल कास्ट कला से रिलेटेड हैं, साथ ही इन्होंने नक्सली क्षेत्र में प्रभावित और भटके हुए लोगों को कास्ट शिल्प कला से जोड़ते हुए इस क्षेत्र में 350 से ज़्यादा लोगों के कास्ट कला सिखाया है, और इसके साथ ही युवाओं के हाथ से बंदूक छुड़ाकर छैनी उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया, है ना। तो ये जो जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण देने जाते थे कास्ट कला से रिलेटेड। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी हम्बल इंसान भी है, मैंने कहा तो इनके भी पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, छत्तीसगढ़ के, ये काफ़ी फैक्चुअल न्यूज़ है, अब इसमें ज़्यादा फोकस करने वाली बात बस इतनी है कि छत्तीसगढ़ के छात्र मास्टर आदित्य प्रताप सिंह, ठीक है, आदित्य प्रताप सिंह को राष्ट्र बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। तो 23 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक आयोजन किया बाल शक्ति पुरस्कार, है ना, बाल शक्ति, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, ये कई बच्चों को दिया जाता है जो कि अनुभव प्रयास कर रहे होते हैं अपने राज्यों में। तो ये इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नवाचार किया, है ना, जो कि पानी को फिल्टर कर सकता है। कहने का मतलब है, इन्होंने, आदित्य ने माइक्रोमा नाम का एक उपकरण तैयार किया है, है ना, इक्विपमेंट तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया और माइक्रोकॉस्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो पानी को स्वस्थ स्वच्छ बनाने के लिए इन्होंने एक इनोवेशन किया है, उपकरण का नाम
क्या है, माइक्रोमा, है ना। और इसी के लिए उनको क्या दिया गया, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। तो ये आप याद रखोगे इनका नाम, ओके। और क्या बनाया, बस इसमें इतना ही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, जो कि दिया जाता है, वो भारत सरकार के नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और वीरता के क्षेत्रों में दिया जाता है। इन श्रेणियों में दिया जाता है जो कि असाधारण जो बालक जो है अपना प्रदर्शन करे इन सब क्षेत्रों में, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, 5 श्रेणियों से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को किया दिया जाता है एक पदक, 1,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है, है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तिरोहित तित्रुघाट पुस्तक का विमोचन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे यहाँ के CM मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा है तो ऐसा ही वालों के लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि तिरोहित तित्रुघाट किसकी रचना है, तो किसकी है, इसका संपादन किए हैं गोविंद पटेल। ये क्या है, तो ये तित्रुघाट, तित्रुघाट एक जगह है, ठीक है। यह पुस्तक जो है धमधा के तित्रुघाट में 2 दर्जन से अधिक सती स्तंभों के पुरातात्विक साक्ष्यों पर रिलेटेड है, ठीक है। तो तित्रुघाट गांव में बहुत सारे जो सती स्तंभों के जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसको संकलन करके इस पुस्तक में दर्शाया गया है, ठीक है, व्याख्या की गई है। तो इसलिए इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स से रिलेटेड भी है और रचना से भी रिलेटेड है, डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। और साथ ही गोविंद पटेल जो हैं उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि टमाटर की बम्पर पैदावार, तकदीर बदल सकते हैं सुनहरे दाने, छत्तीसगढ़ को तंदुरुस्त बना सकती है भाजी, और 6 कोरी 6 आगर और तरियाऊ बुढ़वा नरवा, ठीक है। तो ये उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, तो इन्हें भी आप याद रखोगे। और वो तिरोहित तित्रुघाट, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग कि देश के आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर शीर्ष 5 जिलों में शामिल। ये न्यूज़ हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी, इसको मैंने पिछली क्लास में ले रखा है, तो आप याद रखना, है ना। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्टबॉल टेनिस टूर्नामेंट, ये इम्पोर्टेंट है खेल से रिलेटेड, क्योंकि SI वालों को खेल से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है पूछेगा, है ना। तो SI वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, PSC वालों के लिए उतना है नहीं। तो आप ये याद रखोगे कि कहाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। और महिला वर्ग और पुरुष वर्ग, है ना, इसमें विजेता कौन कौन से थे, सॉफ्ट बॉल टेनिस, है ना, जो सॉफ्ट बॉल से खेली जाती है उसे हम लोग सॉफ्ट बॉल टेनिस कहते हैं, और जो हार्ड कोर्ट वाली, हार्ड कोर्ट बॉल में खेली जाती है उसे हम लोग हार्ड टेनिस बोलते हैं, है ना, या सामान्यतः टेनिस ही बोलते हैं। तो इसमें जो विजेता हैं उनके मैंने नाम मेंशन कर रखे हैं। तो इस बार महिला वर्ग में जो विजेता रही वो रविशंकर विश्वविद्यालय की महिला टीम ही थी। और उप विजेता कौन थी, यानी कि जो सेकंड पोजीशन में थी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की महिलाएँ थीं, और तीसरे स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की। सेम अगर पुरुष वर्ग में हम लोग देखें, पुरुष वर्ग में कौन विजेता था, तो फाइनल विजेता था गुजरात यूनिवर्सिटी की टीम, और उप विजेता कौन थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के मेल टीम यानी कि पुरुष टीम, और इसके साथ ही तीसरे स्थान पे भी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की टीम। तो बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें जो हमारे यहाँ के योग आयोग के अध्यक्ष हैं ज्ञानेश शर्मा, है ना, उनके द्वारा इन विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है फैक्चुअल डेटा। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। तो केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य, है ना, बन गया हमारा छत्तीसगढ़, है ना। तो ये आप याद रखोगे, मैंने पहले ही न्यूज में कवर किया इसको धान खरीदी में, कि पंजाब के बाद, है ना, सेंट्रल पूल में सबसे ज़्यादा धान का खरीदने वाला है, है ना, और MSP में बेचने वाला छत्तीसगढ़ कितना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसके साथ ही केंद्रीय पूल में, यानी कि केंद्र जो होती है वो भी राज्यों से एक निर्धारित मात्रा में सभी राज्यों से अनाज को अपने पास लेती है, क्योंकि उसको भी PDS में प्रोवाइड करना है, है ना। तो
उसका भी प्रोक्योरमेंट करती है, तो केंद्रीय है ना, केंद्रीय पूल यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो केंद्रीय पूल वाले राज्यों, केंद्रीय राज्यों के जो जोन है उसमें आता है, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा है ना धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि सेकंड पोजीशन पे है और ये पिछले बार के 92 लाख मीट्रिक टन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, तो कृषि मंत्री ने किया मिलेट कैफे का लोकार्पण। ठीक है, आप हम लोग मिलेट के न्यूज पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिलेट कैफे का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है, तो रायपुर में। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पहला छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहाँ था, तो रायगढ़ में। ठीक है, अब इस बार ये कहाँ पे, तो विश्वविद्यालय परिसर में, यानी कि किसी विश्वविद्यालय में किसी मिलेट कैफे का लोकार्पण किया गया, तो वो कहाँ पे किया गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो पहला पूछेगा तो रायगढ़, और किसी किस विश्वविद्यालय में पूछेगा, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और इसके साथ ही सेकंड मिलेट कैफे कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये भी याद रखना, दूसरा हमारा होगा कोरबा में। ठीक है, तो ये भी न्यूज में है, याद रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोडे थान ओलंपियाड है ना, कोडे थान मतलब छत्तीसगढ़ शासन और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार होती है उसके अनुसार एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ शासन और हिंदुस्तान टाइम्स के थे, जिसका गेटिंग फ्यूचर रेडी थीम था, जिसके आधार पर हमारे यहाँ पे राज्य के सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनको कोडिंग के प्रति उत्साहित करने के लिए कोडिंग ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। आप लोग सुने होंगे चेस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड है ना, ओलंपियाड यानी कहने का मतलब है कि स्कूल के लेवल में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर हो सकती है, वो प्रतिस्पर्धा जिसमें किसी अनुभवी बच्चों यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को पहचाना जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके, इसके लिए ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है जो कि विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या कुछ हो। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को कोडिंग के प्रति उत्साहित करने के लिए कोडेथॉन ओलंपियाड का भी आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखना, कहाँ किसके सहयोग से, हिंदुस्तान टाइम किसके सहयोग से। कोडिंग क्या होता है, कोडिंग यानी कहने का मतलब है आईटी सेक्टर में जो आप काम करते हैं, आप देखे होंगे कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे वेबसाइट बनना है, सब में कोड होता है ना, आप सुने होंगे कि बाइनरी सिस्टम में काम करता है कंप्यूटर है ना, तो वो सारे जो डेटा होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं है ना, तो वो डेटा को कोडिंग करके बनाया जाता है, और उस कोडिंग के लिए चाहिए होते हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स या कंप्यूटर के अनुभवी लोग है ना, तो उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो स्कूली बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था, कोडे ओलंपियाड। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, पेपर नंबर 7 का पार्ट 3। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, 200 फुट ऊंचाई पर पहाड़ी में मिला शैलचित्र। ये धर्मगढ़ जयगढ़ जो क्षेत्र है यानी कि रायगढ़ में प्रोपाइटर DS मालिया ने गुफा का सर्वेक्षण किया गया जहाँ पे शैलचित्र मिले हैं। ये काफ़ी छोटा न्यूज है बट हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शैलचित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे यहाँ पूरा पाषाण काल में जितने भी शैलचित्र मिले हैं वो काफ़ी रायगढ़ के क्षेत्र में मिले हैं। ओके, तो रायगढ़ के क्षेत्र में जो पहला मिला था वो जैसे कि सिंघनपुर गुफा हो गया, महानदी घाटी हो गया है ना, उन जगह पे, तो इसलिए रायगढ़ का जो क्षेत्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है शैलचित्रों के मामले में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है कि धरम जयगढ़ रायगढ़ जिले में अभी नए पहाड़ी में एक शैलचित्र मिला है जिसका खोज किसने किया, प्रोपाइटर DS मालविया ने है ना, और इस गुफा में शैलचित्र के लिए ये विख्यात भी है, काफ़ी प्रमुख प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। तो रायगढ़ जिले में अभी तक कबरा पहाड़, सिंघनपुर, ओंगना, उषा कोठी, बसनाझर, पोतलदा इत्यादि स्थानों से चित्र हमको मिल चुके हैं जो कि हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं, प्राचीन इतिहास में, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। इसके साथ ही राज्य में सर्वप्रथम चित्रित शैलाश्रयों की खोज किसने की थी, तो हम लोग जानते हैं कि एंडरसन का इसका नाम आता है इसमें है ना, शैलचित्रों की खोज में 1918 में इंडिया पेंटिंग्स और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 13वें अंक में जो रायगढ़ के सिंघनपुर की पहाड़ियों के शैलचित्र हैं उनका प्रकाशन भी हुआ था है ना। इसके साथ ही भारतीय इतिहासकार अमरनाथ दंत ने 1923 से 1927 के बीच में रायगढ़ जिले में व्यापक सर्वेक्षण कर है ना यहाँ के शैलचित्रों को बताया था।
ठीक है, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना होगा तो आप फैक्चुअली तो जाएंगे, बट आपको समझाना भी पड़ेगा, है ना। अगर आपको ये पूछ दिया कि हमारे यहाँ पे प्राचीन जो इतिहास है उसमें मानव सभ्यता का विकास किस क्रम में हुआ है, है ना, तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसा सब समझाना पड़ेगा कि सेल चित्रों के अकॉर्डिंग भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें किन रंगों का प्रयोग किया गया, कैसे हुए, रायगढ़ में ही क्यों थे, उस एरिया में क्या आप मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसके साथ ही धीरे धीरे कैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया, एंडरसन ने फिर गोजा, फिर क्या हुआ, है ना, फिर मोरेश्वर प्रसाद दीक्षित मुकुटधर पांडे सभी का नाम आ सकता है, ओके, भगवान बघेल, इन सब का नाम आप ऐड कर सकते हो, बट आपको एक याद रखना है कि धर्म जयगढ़ में शैलचित्र मिला है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं रंजना गांव का नामकरण किया गया राजीव गांधी के नाम पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक गांव का नाम ही राजीव गांधी के नाम पे कर दिया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पे कर दिया गया है और नाम हो गया है राजीव गांधी रंजना, ओके। तो अब स्थिति कहाँ है यहाँ की, तो कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा में रंजना गांव पड़ता है, जहाँ पे उस गांव का नाम राजीव गांधी रंजना कर दिया गया है और इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गांव का नाम आपको पूछ सकता है ऐसा ही बात, तो ये आप याद रखोगे। आगे हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री ने की गौरलाटा को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ का छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है ना, अगर हम लोग देखें ऐसे तो यहाँ का जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पाट प्रदेश का क्षेत्र है ना, पाट प्रदेश का क्षेत्र है, और यहीं पे एक पाट पड़ता है बलरामपुर जिले में जिसको हम लोग बोलते हैं सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। और इसी सामरी पाट प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कही जाती है गौरलाटा, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है, है ना। अब इसे ही पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है सीएम के द्वारा, है ना। तो ये आप याद रखोगे, लोकेशन कौन से भौतिक विभाग वाले क्षेत्र में है, है ना, गौरलाटा कौन सी विभाग वाले जिले में है, है ना, ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे, और इसके साथ ही उन्हें अब पर्यटन स्थल के बनाने के तौर पे घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल्ड फेयर, है ना, ये एक ट्रेड एंड बिल्ड फेयर का आयोजन किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा रोड में श्रीराम बिजनेस पार्क रायपुर है वहाँ पे रोटरी क्लब के आयोजन के माध्यम से महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित छाया चित्र और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो ये मतलब प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, है ना, कहाँ पे हुआ था ये आपको पूछ सकता है, तो रोटरी क्लब है ना रायपुर के द्वारा विधानसभा रोड श्रीराम बिजनेस पार्क में। आपको ये लोकेशन बस याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, रायपुर दुर्ग और भिलाई में जियो ट्रू 5G की शुरू, ये काफ़ी पुराना न्यूज है बट मेंशन है, तो अब तो बिलासपुर में भी चालू हो गया 5G, है ना। तो 5G कनेक्टिविटी हमारे यहाँ के रायपुर दुर्ग और भिलाई और बिलासपुर जिलों में बड़े शहरों में हो गई है, तो आप ये याद रखना कि कब हुई थी, तो 14 जनवरी 2023 से स्टार्ट, ठीक है, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है। तातापानी पानी महोत्सव, ये भी महोत्सव आप जानते हैं कि बलरामपुर जिले में हमारे यहाँ पे एक गर्म गर्म जल का स्रोत है जिसे हम लोग तातापानी कहते हैं, है ना, वहाँ 14 जनवरी से 16 जनवरी तक, ठीक है, कब से कब तक, 14 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक बलरामपुर जिले में ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा जी के द्वारा किया गया मकर संक्रांति के अवसर पर, और इसके साथ ही इस पर्व में वृहद मेला भरता है, श्रद्धा और आस्था का समागम करते हुए यहाँ पे लोग जाते हैं, और ताता पानी महोत्सव में एक गर्म जल के कुंड है, वहाँ माना जाता है कि
आपको अगर चर्म रोग है तो वहाँ उस पानी से नहाने से ठीक हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं और उसे टूरिज्म के क्षेत्र में भी प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है एसआई वालों के लिए स्पेशली। कब से कब तक हुआ? तो 14 से 16 जनवरी 2023, 3 दिवसीय आयोजन था। ज़्यादा पानी है कहाँ? बलरामपुर ज़िले में, ठीक है। और मैंने सेम चीज़ जो नहीं जानते हैं उनके लिए मेंशन कर दिया है, आप एक बार पढ़ के देखना वीडियो पॉज करके, कि स्थानीय भाषा में ताता का मतलब होता है गर्म, ये सारी चीज़ें है ना, इसीलिए ताता पानी पड़ गया है ना। यहाँ चावल अंडे और आलू आदि इस पानी से करो तो वो उबल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता क्या है कि इस क्षेत्र में सल्फर की मात्रा अधिक है इसलिए ये गर्म है ना। और वहाँ पे जैसे हमारे लद्दाख में पूगा घाटी का क्षेत्र है ना, जियो थर्मल पावर है ना, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, पहला हमारे यहाँ था लद्दाख का पूगा घाटी और यहाँ ताता पानी के क्षेत्र में भी है ना, तो इसके लिए भी अभी शोध कार्य चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट, राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण है ना, राज्य के पहले शहीद पार्क का भी लोकार्पण कहाँ पे किया गया? बलरामपुर में। मुख्यमंत्री जी ने 15 जनवरी 2023 को 40 लाख रुपए के लागत से राज्य के पहले शहीद पार्क का मतलब कि उद्घाटन किया है ना। तो ये शहीद पार्क जो है बलरामपुर शहीद चौक पर स्थापित इस पार्क में प्रधान आरक्षक दूत हैं हमारे यहाँ के लाजरूस मिंज, शहीद आरक्षक महेश राम पैंकरा और अनिल खलखो है ना, नबोर कुजूर, इन सारे जो पहले के जो उस जिले से संबंधित जो शहीद हुए हैं है ना, उनके लिए ये पार्क बनाया गया है। ये आपको पूछ सकता है कि ये किस ज़िले में है, राज्य के शहीद पार्क का लोकार्पण किस ज़िले में किया गया? तो बलरामपुर, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ठीक। और ये निकलर ऐप भी एक छोटा ही न्यूज़ था, इसके द्वारा पढ़ाई छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में जो प्रतिष्ठित जो शिक्षक होते हैं ना उनके लिए है ना, उनके लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार के तौर पे इसको लाया गया है निकलर ऐप को। और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए CSI ने छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है ना। तो निकलर ऐप के लिए छत्तीसगढ़ पुरस्कार के शिक्षा विभाग को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। राजिम पुण्य मिला, आज यहीं तक ख़त्म करते हैं इस न्यूज़ के बाद, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे है ना। बाकी जो न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने मेंशन कर रखा है, बाकी आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। राजीव माघी पुण्य मेला, इसका आयोजन कब किया गया था? 5 फरवरी 2023 से 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला महानदी पैरी और सोढ़ू नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजिम के त्रिवेणी संगम पर जो श्रद्धालु होते हैं वो राजिम मांघी पुण्य मेला का आयोजन होता है, वहाँ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर नदी पे स्नान करना और सूर्य नमस्कार करना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए ये आयोजन किया जाता है। पहले इसका नाम था राजिम कुंभ मेला, जिसका नाम चेंज करके राजिम माघी पुण्य मेला कर दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेट कब से कब तक हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एसआई में। तो ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर। ज़्यादातर जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो एसआई वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो डिस्क्रिप्टिव में मैंने बताया खास करके शिक्षा से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं पेपर नंबर 7 पार्ट 3 में, या योजनाओं से रिलेटेड है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये सारी जो चीज़ें जो मैंने फैक्ट आपको बताई हैं वो आपको कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके।